आज हम देखते हैं कि सब बुराइयों में जो जुआ है, जो जुए का खेल खेला जा रहा है, उसमें भीख मांगने की भी नौबत पड़ सकती है। देखिए, सबसे पहले हमें अपने कर्मों को गिनना जरूरी है। जिन मनुष्यों में जुआ खेलने के विचार नहीं है, लेकिन वह जुआ खेल रहे हैं, अपनी आदत के कारण खेल रहे हैं, उन लोगों को मेरा एक सुझाव है कि सबसे प्रथम हमें यह निश्चय करना है कि हमने इस बीमारी को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। यदि छोड़ना है तो उसके लिए क्या किया जाए। दो चार मुद्दे हैं कि हर बुराई के पीछे कुछ ना कुछ आकर्षण होता है। जैसे शराब गिलने, शराब क्या वस्तु है, सबको मालूम है कि ये नशा करने वाली वस्तु है, इससे आदमी बहक जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पागलपन के दौरे भी पड़ सकते हैं, और सबको मालूम है इसके अंदर अल्कोहल भी है, किंतु फिर भी लोग पी रहे हैं। क्या आकर्षण है शराब के अंदर के जानते हुए भी लोग जहर पी रहे हैं। कुछ ऐसा आकर्षण है या फिर थोड़ी सी आदत है। एक बार थोड़ी सी पी ली, किसी ने पिला दी, पार्टी में पिला दी और हमने पी ली और उसकी आदत बन गई, लेकिन उसका मुख्य आकर्षण नशा ही है कि मनुष्य झूम उठता है। इसी प्रकार इस जुए का आकर्षण है धन प्राप्ति। बिना मेहनत किए हुए हम धन प्राप्त करना चाहते हैं। हमें धन प्राप्ति के हमारे पास कई साधन हैं, लेकिन धन हम प्राप्त करते हैं खुशियों के लिए, अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए, लेकिन ये जुआ हमारे रास्ते को भटका रहा है। हमारा असली जीवन जैसे हम जी रहे हैं वैसा नहीं हो पाता जब ये खेल खेला जाता है। सबसे प्रथम अपना सारा धन चला जाता है, साथ में ये दूसरों का धन भी ले डूबता है। ये ऐसा समंदर है जिसमें जितनी मर्जी रुपए डालते रहो लेकिन ये खाली का खाली रहेगा, क्योंकि आने का बहुत ही कम चांस है। जुए कई प्रकार के खेले जा रहे हैं, चोरी तो कई प्रकार के खेले जा रहे हैं, ताश के पत्ते ज्यादातर लगाए जा रहे हैं, और चौसर का खेल है, और सबसे बड़ा खेल अब सरकार शुरू करा रही है, लॉटरी का खेल। एक बार किसी ने थोड़े से पैसे लगाए और थोड़ी सी लालच के कारण उसके पैसे चले गए और आने का बहुत ही कम चांस। जब वो घाटा बढ़ जाता है तो मनुष्य पिछला घाटा प्राप्त करना चाहता है। भाई मान लो कि मेरा 1600 रुपए का घाटा हो गया और मुझे वो 1600 प्राप्त करने के लिए कम से कम 3000 रुपए और चाहिए, 3000 लगाएंगे तो वो 1600 प्राप्त होगा, ऐसा हम सोचकर चलते हैं। यदि कोई भी भाई बहन इसमें फंसा हुआ हो
उसका जितना भी घाटा है, सबसे पहले वह ये सोच ले कि मैं जो अगले पैसे लगाए जा रहा हूं पिछली प्राप्ति के लिए, वो अगला भी डूबने वाला है। अब 2,000 उसने फिर लगाया और घाटा बढ़ जाता है 3,600 रुपए। अब 3,600 की प्राप्ति के लिए उसको 5,000 और चाहिए। 5,000 यदि लॉटरी में लगाएगा या ताश के पत्तों में लगाएगा तो उसे वो 3,600 प्राप्त होगा, उसके लिए वो 5,000 और लगाता है। अब फिर 5,000 और लगा दिया तो घाटा बन गया 8,600। अब 8,600 की फिर चिंता हो जाती है उसे, 8,600 कैसे प्राप्त किया जाए। मान लो एक बार उसका इनाम लग जाता है 5,000 का, 6,000 का है, लेकिन उसकी जो संकल्प शक्ति है वो बढ़ जाती है, वो सोचने लगता है कि मैं ये घाटा धीरे धीरे प्राप्त कर लूंगा। मान लो कि उसका घाटा कम हो गया लेकिन वो उस टाइम ब्रेक नहीं लगा रहा। ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना ब्रेक के कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। जुए के खेल में भी ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। कैसे लगाया जाए ब्रेक? हम कोई भी खेल खेलते हैं तो थोड़ी सी हमें खुशी प्राप्त होती है, थोड़ा सा आनंद प्राप्त होता है और हमारी तंदुरुस्ती भी बढ़ती है। लेकिन ये ऐसा खेल है जिसमें हम सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं, अपना धन तो जाता ही है, साथ में अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका भी धन हम लगा देते हैं, चोरी से लगा देता है कोई भी, जो भी इस खेल में से जुड़ा हुआ है, जो भी जो पक्का जुआरी बन चुका है, जिसको आदत की लत पड़ चुकी है, वह झूठ भी बोलने लगता है, साथ में चोरी भी करने लगता है। मान लो यदि वह झूठ भी नहीं बोलता, चोरी भी नहीं करता, लेकिन वो अपनी मेहनत का इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, सारे की सारी वो जुए की भेंट चढ़ाने में लगा हुआ है। ये खेल मनुष्य को दुख की ओर ले जा रहा है। खेल खेला जाता है खुशियां प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम खेल रहे हैं दुख प्राप्ति के लिए। मनुष्य को इतनी टेंशन हो जाती है इस खेल में कि जिसने मान लो कर्जा ले लिया है वो आत्महत्या तक करने को सोचता है। जाने भी अनजाने भी कोई भी इस खेल में फंसे हुए हैं। मैं उनसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमपिता परमात्मा के वह उस मंत्र को समझें, अरिना श्याम शरदाशतम भूयश्च शरदाशता, कि 100 वर्ष की खुशहाल जिंदगी जीने के लिए हमें किसी से कुछ ना मांगना पड़े। लेकिन ये जुए का खेल हमको मांगने पर मजबूर कर रहा है। किसी से हमने कुछ मांग लेते हैं, थोड़ी सी उधार मांग लेते हैं, आज चुका देंगे, क्योंकि इस खेल का मकसद ही है कि धन इकट्ठा करना। कोई बीमार प्राणी है उसके लिए हम इतना धन इकट्ठा नहीं कर पाते, लेकिन जुए में इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं और फटाफट ही उसको इस खेल में लगा दिया जाता है। आदमी के अंदर विवेक की जो थोड़ी सी शक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। आदमी कुछ सोच ही नहीं पाता। कुछ यदि सोचने की थोड़ी सी समर्थता उसमें है, अब आप ये जो देख रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, हो सकता है कोई भला आदमी इन इन प्रवचनों को सुन के परमपिता की परमात्मा के आज्ञा को मानकर ये निश्चय कर ले कि मैं आज ब्रेक लगाऊंगा, तो हो सकता है कि थोड़ी सी ब्रेक लगाने के कारण ही उसकी मेहनत का पैसा बच जाए। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी देश के लोग हैं, बहुत ही मेहनती लोग हैं, जो भी जुए में फंसे हुए हैं, चाहे वो शेयर बाजार में ही क्यों ना फंसे हुए हों, शेयर मार्केट भी हमें ये मानकर चलनी चाहिए कि इसमें भी हमें ये मालूम नहीं कौन सा शेयर कब गिरेगा और कब ऊंचा उठेगा।
कंप्यूटर में बैठकर सारा दिन उसे देखते हैं, सारा दिन उसे देखते हैं, ये कितने रेट पे आ रहा है, अब इतना पैसा लगाऊं, अब इतना लगा दूं, इतना लगा दूं, अब बढ़ जाएगा, इतना पैसा कमा लूंगा। और जब घटता है तो सारा कुछ इंसान का चौपड़ हो जाता है। मैं मानता हूं कि मनुष्य को धन प्राप्ति की बहुत चाह है, बिना धन प्राप्ति के गुजारा करना भी मुश्किल है, लेकिन धन प्राप्ति मेहनत से की जाए, अन्य उद्योगों में की जाए, अन्य काम में की जाए, ना कि इस ऐसे दुष्ट खेल से जिसे समाज का वातावरण निकृष्ट हो रहा है, लोग गरीब अति गरीब हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश के व्यक्ति जो भी जुए की लत में फंसे हुए हैं, वो थोड़ा सा ये समझें कि ये बहुत ही निकृष्ट खेल है जिसमें मुझे मेरा सारा कुछ जाने वाला है, मेरा आत्मिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल, सब कुछ जाने वाला है। कुछ प्राप्त तो मैं उस खेल से कर ही नहीं रहा, लेकिन जो प्राप्त कर रहा हूं वो उदासी, निराशा और लोगों से मांगना, अपना ही बल घटा रहा हूं, अपना बल ना घटाकर हमें परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम 100 वर्ष तक देखते रहें, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक भले काम करते रहें, ना कि बुरे काम। आइए हम इन उद्देश्यों एवं सच्चे मार्ग पर चलें, इस जुए की लत को यहीं ब्रेक लगाएं, तभी समाज में कल्याणकारी भाव जागृत होंगे। इति ओम।